नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय के बारे में दोस्तों वीडियो को पूरा देखना वीडियो को मिस मत करना नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अठारह सौ चौरासी ईस्वी जन्म स्थान बस्ती जिला गौना पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला मृत्यु उन्नीस सौ इकतालीस ईस्वी दोस्तों अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय के बारे में बताएंगे आपको शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया शुक्ला जी ने आत्म खोजपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी आदमी पर पाँच सौ रुपये पारितोषक सम्मान मिला इसके पश्चात इन्होंने इसके पश्चात शुक्ला जी ने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर ली और कुछ ही समय बाद वहीं पर हिंदी विभाग के अध्ययन के पद पर सुशोभित हुए अपने निबंध के अपने करुणा क्रोध रहस्यवाद आदि का बहुत ही अनूठा समावेश किया है दोस्तों अब इनकी हम रचनाओं के बारे में जान लेते हैं शुक्ला जी एक प्रसिद्ध निबंधकार निष्पक्ष आलोचन श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे अपने अध्यापन काल में के दौरान इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की यह एक युग परिवर्तक एवं प्रतिभा संपन्न रचनात्मककार थे शुक्ला जी अपने समय में सबसे प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं इनकी प्रसिद्ध शैली में सबसे प्रमुख आलोचनात्मक शैली है दोस्तों अब निबंध के बारे में जान लेते हैं विचार चिंतामढ़ी संपादन जायसी ग्रंथा वाले तुलसी ग्रंथाले भ्रमर गीत गीत हिंदी शब्द सागर और काशी नगरी प्रचारिका प्रतीका का संपादन इन्होंने दोस्तों किया दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके